press the bell icon on the YouTube app and never. और पाकिस्तान की सरकार ने अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था भाई, अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था। उसके बाद फिर इब्राहिम अख्तर बावलपुर का था, शाहिद अख्तर सईद कराची का था, गुलशन इकबाल कराची का था, सनी अहमद काजी कराची का था, उसके बाद फिर आपका ये मिस्त्री जहूर ये सुकूर का था। ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान का ही है ना। मैं जिस एरिया का नाम बोल रही हूँ वो आपके पाकिस्तान का ही है ना। तो जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे? आजकल पाकिस्तान के लोग क्या तालिबान के लिए का? सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है IC 814, जो कि कंधार हाईजैक पे बेस्ड है। उसका जो डायरेक्टर है वो एक लिब्रांडू है, जी हाँ लिबरल प्लस सेकुलर। उसका नाम है अनुभव सिन्हा, जिसने मूवी में ये दिखाया कि हाईजैक करने वाले जो आतंकी थे वो हिंदू थे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का। तो ये वीडियो और ये रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त होगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कि पाकिस्तान की सरकार ने ये क्यों करवाया था ISI से? पाकिस्तान ने तो, जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि ये जहाज क्योंकि फ्यूल के शॉर्टेज की वजह से लैंड करना चाहता था, तो पाकिस्तान ने इसको यहाँ पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी। तो फिर इसको जो है ना कांधार पे जाके जो है लैंड करवाया गया था। कुछ इस तरह की चीजें भी जो मैं है वो किताब लेकर के, जो विक्टिम ने किताब लिखी है, मैं वो किताब लेकर के बैठी, ठीक है, जो तो इस प्लेन में बैठे हुए थे। हाँ, अब मैं आपके पाकिस्तान की सरकार की बात मानूं या विक्टिम की बात मान लूं? शैला पहले ये बता दीजिए। दोनों की सुनते हैं फिर सच क्या है जान लेते हैं। नहीं, कैसे सुने? मैं तो विक्टिम की किताब लेकर के बैठ गई हूँ, इसलिए मैंने उनसे मंगवाया है, स्पेशली मैंने मंगवाया है। तो विक्टिम अपने 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 बारे में लिख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली उनकी बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की सरकार से, और पाकिस्तान की सरकार ने अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था भाई, अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था। उसके बाद फिर इब्राहिम अख्तर बावलपुर का था, शाहिद अख्तर सईद कराची का था, गुलशन इकबाल कराची का था, सनी अहमद काजी कराची का था, उसके बाद फिर आपका ये मिस्त्री जहूर ये सुकूर का था। ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान का ही है ना। मैं जिस एरिया का नाम बोल रही हूँ वो आपके पाकिस्तान का ही है ना। तो जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे? आजकल पाकिस्तान के लोग क्या तालिबान के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो देखिए, इतने भयभीत माहौल को क्रिएट किया गया और क्रिएट कर करके लोगों को डराया गया, धमकाया गया, जिसमें पाकिस्तान का एक खुन्नस था कारगिल का वॉर हारना और 1971 में, क्योंकि भारत के मदद से ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया था और बांग्लादेश को उन्होंने एक अलग देश बनाया था, वो भी खुन्नस, ये दोनों खुन्नस एक साथ पाकिस्तान ने निकाला था। अब आते हैं इसके और भी डिटेल्स जो हम सबको जानने की बहुत जरूरत है। बॉलीवुड ने हमेशा से सनातन धर्म को डिफेम किया है। आपको याद होगा मदर इंडिया नरगिस की एक मूवी आई थी जिसमें सुनील दत्त उनके बेटे बने थे, जो ओरिजिनल जिंदगी में उनके पति थे। उसमें दिखाया है कि एक पुजारी जो है वो आरती कर करके मंदिर से निकल रहा है और नरगिस क्योंकि मदर इंडिया की हीरोइन थी उनका रेप करने जा रहा है आरती करके। वो मंदिर की चौखट पर ही है वो पुजारी, और मंदिर की चौखट से निकल आरती करके निकल रहा है और वो नरगिस का रेप करने के लिए जा रहा है। हमने कई फिल्मों में देखा कि अमरीश पुरी जो है वो बड़े बड़े तिलक लगाया हुआ है और वो हीरोइन को दबोच रहा है, वो हीरोइन को रेप करने की कोशिश कर रहा है, उससे उसके साथ अभद्र सलूक कर रहा है। अभी हालिया में एक मूवी आई थी अग्निपथ, पुरानी अग्निपथ को ही उन्होंने, जो अमिताभ बच्चन की थी अग्निपथ, उसको उन्होंने फिर से रिक्रिएट किया था, जिसमें संजय दत्त को दिखाया गया था और ऋतिक रोशन को दिखाया गया था कि दोनों अलग अलग जगह पर एक गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे और फिर दोनों एक दूसरे का मर्डर करना चाहते थे, और उसी बीच में चिकनी चमेली का एक कतरीना का आइटम नंबर आ जाता है और चिकनी चमेली नाच गाना हो जाता है, वो पौवा और चुल्लू और दारू लेकर के। उसके पीछे अगर आप जाइएगा तो
तो अमिताभ बच्चन को जब आप देखिएगा, अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी मूवी में भगवान से नाराज होते हैं और वो मंदिर के में जा करके वो देवी माओं के चरणों पर अपना सर फोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमिताभ बच्चन को अगर आप जब ऐसी मूवीज में देखिएगा जिसमें वो मुस्लिम बने हैं या जिसमें वो मुसलमानों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसमें वो एक हरा झंडा ला इलाहा का अपने अपने बदन पर लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे कोई नहीं मार सकता है, आ जाओ मुझे गोलियां मारो, तुम्हारी गोलियां मुझे नहीं लगेंगी क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। तो उसके बाद फिर राखी और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर तो मुगलों का बनाया हुआ है। तो बॉलीवुड का ये चरित्र हमेशा रहा है कि उन्होंने हमेशा सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन किया है और हमेशा हमारी युवा पीढ़ी को जब अब 90s देख लो, 80s देख लो, 70s देख लो और अभी 21st सेंचुरी देख लो, ये हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसमें जैसे जैसे युवा पीढ़ी जिस जिस ईरा में आएगी उसके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी, अच्छा हिंदू ऐसे होते हैं, अच्छा हिंदू ऐसे होते हैं, ये हिंदुओं के दिमाग में भी चलती है। और ये आप 70s की मूवीज देखो, आप 90s की मूवीज देखो, आप अभी 21st सेंचुरी की मूवी देखो, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे भारत में बहुत सारे लिब्रांडो हिंदूज हैं जो मजार भी चले जाते हैं, जो पानी में फुकवा भी लेते हैं, मौलवी साहब का थूक भी ले लेते हैं और गंदा बदबू भी ले लेते हैं, जो तावीज भी पहन लेते हैं और जो लश्कर ए तैयबा और ISI की हिमायत भी कहीं कहीं पर कर देते हैं। लेकिन शैला मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ तो इस ला इलाहा से मैं अच्छी बेहतर मुसलमान इंसान बनूंगी, और अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसको मना करूंगी कि हमारा इस्लाम गलत करने की या गुनाह करने की इजाजत नहीं देता है आपको। तो लेकिन वही ला इलाहा पढ़ने वाला हाफिज सईद को जिहादी बोलने का भी हमें पूरा हक है और हमें बोलना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, अजमल कसम ये लोग बहुत बुरे मुसलमान थे, इन्होंने मुसलमानों की छवि खराब की है। जैसे देखो आप जब अजमल कसम भारत में आया था और उसने महाराष्ट्र में इतना बड़ा उसने टेररिज्म अटैक किया था तो इंटेंशनली उसके हाथ का मजार का तावीज दिखाया जा रहा था जिसको कलावा कहा जा रहा था, वो कलावा मैं भी बांधी हुई हूँ, पर कलावा ऐसा होता है और मजार की तावीज कुछ अलग डिफरेंट होती है। जो उसके हाथ में दिखाई जा रही थी गोल गोल घुमा करके वो मजार की तावीज थी, और मजार की तावीज क्या होती है, आधा पीली होती है और आधा लाल होती है, लेकिन जो कलावा होता है वो ऐसा होता है, इस किस्म का होता है जो मैंने लगाया हुआ है सारी मंदिरों का। तो हमेशा से जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी हमेशा से आतंकवादियों को, जिहादियों को, टेररिस्ट को एक बुलंद और एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाने का दर्जा देने की वो कोशिश करते रहे। असदुद्दीन अवैसी आज भी कहते हैं कि अफजल गुरु को नहीं फांसी देनी चाहिए थी। तो ये जो सिनारियो हमेशा भारत में सेट हुआ है वो हमेशा से भारत की हिंदू प्रथा, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को डिफेम और मलाइन करने के लिए और एक हिडन एजेंडा चलाने के लिए, ताकि जो हिंदू धर्म के हिंदुत्व जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। और मूवी सिनेमा उसकी सबसे 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 इजी वे है, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो मूवीज जरूर देखते हैं और उसको अडेप्ट भी करते हैं, सिर्फ कपड़ों में नहीं, सिर्फ फैशन में नहीं, बल्कि उसके कंटेंट और उसके कंसेप्ट को भी। अभी देखो दो इससे पहले एक मूवी आई थी आमिर खान की पीके, पीके में आमिर खान ने सनातन धर्म को कितनी बुरी तरीके से मलाइन किया है, कितनी बुरे तरीके से, और बाद में जब उसको फील हुआ, जब उसकी लाल सिंह चड्ढा जिस पर मैंने भी PIL किया था और जब वो ठप्पा हो गई, बिल्कुल ठप हो गई, तब उसको एहसास हुआ और उसने कपिल शर्मा के शो में कहा कि मैं कहीं भी जाता हूँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं नमस्कार करता हूँ। तो उसने सनातन धर्म को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जवान बच्चे बेटा जो मूवीज बना रहा है कहीं उसकी पिक्चर्स ना पिटती चली जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी हमेशा है। लेकिन जैसे हमने नेटफ्लिक्स की बात की कि नेटफ्लिक्स इंडिया के प्रेशर में आके इतना बड़ा फोरम डिस्क्लेमर चेंज कर रहा है, तो जरा इंडिया की पावर पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी जैसे मोदी साहब जो है सिंगापुर में इस टाइम मौजूद है, पहले बुरनाई में गए थे, तो इससे
लोग इस पे भी डिस्कशन करें कि देखें कितना ज्यादा 1947 में आजाद होने वाले मुल्क का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है कि जो चीज उसकी जनता को नहीं पसंद है दुनिया का कोई भी फोरम उसको अब नहीं चला सकता। और नेटफ्लिक्स ने वो सारा फटाफट से चेंज कर दिया क्योंकि नेटफ्लिक्स को तो अर्निंग करनी थी। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो कह रहे कि नहीं भाई उनके यही नाम थे, इस पे भी है कि भाई ठीक है उनके यही नाम थे लेकिन आपने उनके सही नाम क्यों नहीं दिखाए ना फिर। तो ये अब थोड़ी नेटफ्लिक्स की भी बात करें कि ये क्यों भारत के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। नहीं देखिए हमेशा से हिंदू जो है वो अपने आराध्य के लिए अपनी देवी देवताओं के लिए हमेशा इमोशनल रहे हैं और हमेशा से अपनी आवाज को रेज करने की उन्होंने कोशिश की है हमेशा से कोशिश की है। लेकिन होता क्या था कि 53-54 साल कांग्रेस की सरकार होती थी तो जितना भी पुरोहित को महंत को संत को आचार्य को देवी देवताओं को आराध्य को मंदिर को सनातन धर्म को मलाइन किया जाता था तो जब हिंदू रोड पर आने की कोशिश करता था तो उन्हीं को अरेस्ट करवा दिया जाता था क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई होती थी और कांग्रेस की सरकार इज लाइक मुस्लिम लीग 2.0। कांग्रेस की सरकार इज सिंपली, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोल रही हूँ और ऑन ईयर में बोल रही हूँ आपको और मुझे इससे कोई डर नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हमेशा से मुस्लिम लीग 2.0 ही रही। तो उसी तरीके से उन्होंने नेटफ्लिक्स को भी बड़ी खूबसूरती से हमारे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने बुला करके अच्छे से समझा दिया कि भैया 77-78 साल से तुम्हारे सारी माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटीज में सब आते हैं, सारी माइनॉरिटीज को हमने इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत से रखा है और उनको बढ़ाया है घटाया नहीं है, उनकी तादाद को हमने बढ़ाया है तो काइंडली हमारे सनातन धर्म को किसी के कहने पर मलाई मत करो। सो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने अनुभव सिन्हा को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस पूरे वीडियो और टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त नॉलेजेबल और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।